हाय फ्रेंड्स, मैं आशीष कुमार मौर्य स्वागत करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है टेक्निकल आशीष। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं NATS के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे NATS में अपलोड होने वाले डॉक्यूमेंट्स के बारे में। फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि रजिस्ट्रेशन के समय गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, जिससे कि बाद में दिक्कत होने लगती है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करें कि कोई दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूंगा NATS में यूज होने वाले डॉक्यूमेंट्स के नाम, जो कि इस प्रकार हैं। नंबर एक जो डॉक्यूमेंट है फ्रेंड्स, वो है आधार कार्ड। नंबर दो जो डॉक्यूमेंट है फ्रेंड्स, वो है मार्कशीट, आपका रिजल्ट हो गया मार्कशीट है, और जो सर्टिफिकेट है। फ्रेंड्स, नंबर तीन के डॉक्यूमेंट के बारे में मैं बात करूंगा, जो कि है रिज्यूम। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं रिज्यूम के बारे में बात करूंगा। तो मैंने फ्रेंड्स रिज्यूम के बारे में डिटेल से एक वीडियो बनाया है, और उस वीडियो में हर एक सावधानी बताई गई है कि कैसा रिज्यूम रहे और क्या क्या मेंशन होना चाहिए, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। आप उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं। सेकेंडली मैं बात करूँगा आधार कार्ड के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आधार कार्ड एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, इसके बिना आपका कोई भी कार्य वेरीफाई नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आधार कार्ड अपलोड करते समय जो सावधानी बरतनी है वो ये है कि आपको दोनों साइड का आधार कार्ड अपलोड करना है, एक साइड का नहीं। मैंने फ्रेंड्स आपका जो नाम और फोटो वाला जो एक साइड होता है, और दूसरा साइड जो एड्रेस वाला होता है, आपको दोनों साइड अपलोड करना है। आप चाहें उसको PDF में अलग अलग पेज पे बनाना चाहें, एक पेज पे आप लोग बनाना चाहें। फिर मैं बात करूंगा रिजल्ट के बारे में। फ्रेंड्स, तो मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे भी इंस्टीट्यूट हैं जो मार्कशीट को ज़्यादा मानते हैं, तो मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूँ कि आप लोग मार्कशीट ही अपलोड करें, जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत के सामना नहीं करना पड़े। तो फ्रेंड्स, मैंने इतना तो बता दिया आप लोगों को कि किस प्रकार का डॉक्यूमेंट अपलोड करें। और अगर फ्रेंड्स दिक्कत ये है कि जिन लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है और वो गलत अपलोड हो चुका है, तो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगा, जो कि इस वीडियो का सेकेंड पार्ट होगा, उसमें बताऊँगा डिटेल से कि आप लोगों को वीडियो में क्या करना है, कैसे आप लोगों का डॉक्यूमेंट अपना सही कराना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, आप लोगों की समस्या का समाधान भी हुआ होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें फ्रेंड्स, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, मैं एक रिक्वेस्ट आप लोगों को और करना चाहूँगा कि जो COVID-19 है, उसके वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं, उसके वजह से आप लोग क्या करें, थोड़ी सावधानियाँ बरते हैं। आप लोग एक दूसरे से सावधानी बरतिए, दूरी बना कर रहें फ्रेंड्स, और जितना हो सके किसी एक गरीब की मदद करें, जिससे कि किसी कोई भी भूखा ना सोए। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।